हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथी जी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, साथ ही ट्रिपल इंटीग्रल किस टाइप के फंक्शनों का फाइंड किया जाता है और कैसे फाइंड किया जाता है। उसके साथ हम देखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल पर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो सारी थ्योरी आपको इस लेक्चर में मिलेगी, उसके साथ ही आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे हर टाइप के जो भी ट्रिपल इंटीग्रल पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो फंक्शन कैसा होता है जिसका हम ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है ट्रिपल इंटीग्रल, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रल्स। ओके, तो ट्रिपल इंटीग्रल्स मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ इस तरह का फंक्शन मिलेगा, फंक्शन x, y और z का। यहाँ पर x भी इंडिपेंडेंट होगा, y भी इंडिपेंडेंट और z भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो जैसा कि इसका नाम है ट्रिपल, तो यहाँ पर तीन इंटीग्रेशन साइन आएंगे, ठीक है ना, जो कि एक x के लिए होगा, एक y के लिए और एक z के लिए, ठीक है ना। कौन सा किसके लिए होता है वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिलहाल ये किसी रीजन पर फाइंड किया जाएगा, मान लो वो वी रीजन है, तो ये इसका नोटेशन हो जाता है डी एक्स डी वाई और ये डी जेड। ओके, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल का फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का नोटेशन होता है ओवर रीजन वी, ठीक है ना। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिपल इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन कितने टाइप से बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसका आधार होता है लिमिट, ठीक है ना। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और वो बेस होते हैं उसकी लिमिट पर कि लिमिट कैसे प्रोवाइड की गई है। तो फर्स्ट टाइप का देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रल कैसा होता है और उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, बाकी बस आपको रूल ही जानना है कि कैसे इंटीग्रेशन करना है, बाकी सब सिंपल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप में देखो आता है, इसमें फर्स्ट टाइप में ट्रिपल इंटीग्रल आता है जब तीनों लिमिटें क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, यानी जो भी वेरिएबल हैं तीनों हमारे एक्स वाई जेड, उनकी जो लिमिट है लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट, ये क्या हो, तीनों कांस्टेंट हो तीनों वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। तो वो आता है हमारा फर्स्ट टाइप में, तो मैं लिख देता हूं व्हेन ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट। तो इसमें आपको तीनों लिमिटें कांस्टेंट मिलेगी, तो मैं आपको लिख देता हूँ, तो हमारा इंटीग्रेशन यानी ट्रिपल इंटीग्रल कुछ इस टाइप में दिखेगा। इसमें आपको एक फंक्शन एक्स वाई जेड प्रोवाइड किया जाएगा, डी एक्स डी वाई और डी जेड, लिमिट आपकी कांस्टेंट रहेंगी, फिक्स रहेंगी, यानी ए से बी होगी एक लिमिट कांस्टेंट, सी से डी और इसको मान लो ई से, चलो एक सिक्वेंस में मान लेते हैं एम से एन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको कुछ लिमिटें मिलेंगी। अब इसमें कौन सी लिमिट कौन से वेरिएबल की है, वही आपको जो डबल इंटीग्रेशन में बताया गया है वही फॉलो करना है, कि राइट साइड से जाना है और देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर पहले दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये पहली वाली लिमिट एक्स के लिए होगी, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ फिलहाल, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये आपके लिए अंडरस्टूड होता है। जो सेकेंड टाइम पर लिखा हुआ है, ये सेकंड वाली लिमिट उसके लिए होगी, उस वेरिएबल के लिए, तो ये होगी y की लिमिट, और बची किसकी, तीसरी वाली, ये z वेरिएबल के लिए होगी, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बस आपको यही फॉलो करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको dx dy dz ही मिले एग्ज़ाम में, वो चेंज भी कर सकता है कि dy को यहाँ लिख दे फिर dx को, तो उस केस में फिर dy यानी y की लिमिट ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको तो बस इन जनरल ये पैटर्न फॉलो करना है कि जो यहाँ पर पहले होगा उसकी लिमिट पहली, जो सेकंड पोजीशन पर उसकी सेकंड लिमिट, और जो थर्ड पोजीशन पर उसकी थर्ड लिमिट, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल टर्म होता है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। अब देखते हैं हम इस टाइप के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ट्रिपल इंटीग्रल में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें तीनों लिमिटें क्या होंगी, कॉन्स्टेंट होंगी, ठीक है ना। तो पहले सुन लो कि क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करनी है, मतलब उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखना है और उसमें जानना है कि कौन से वेरिएबल की लिमिट कौन सी है, ठीक है ना। तो वो कैसे पहचानोगे आप, मैंने अभी बताया था,
कि आपको यहाँ पर देखना है किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहले दिया हुआ है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में पहले करना है आपको, एक्स के, ठीक है ना। तो ये पहली वाली लिमिट किसकी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद वाई के, तो ये दूसरी वाली लिमिट वाई की हो जाएगी। और तीसरे डी जेड, यानी कि ये वाली लिमिट जेड की हो जाएगी, ठीक है ना। बस अब आती है बात कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो जब लिमिट तीनों कांस्टेंट होती हैं तो उस केस में आप किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके अलावा जो छूट जाते हैं वेरिएबल, उनको एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ करना है जब आप उस फंक्शन का इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। तो देखो कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, चलो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है ना, और बाकी को रेस्ट पर रखते हैं, ठीक है ना। तो ये वाई की लिमिट है 0 से 3 डी वाई, और ये 0 से 1 डी जेड। हमें इंटीग्रेट करना है पहले 0 से 2 में एक्स के रेस्पेक्ट में वाई प्लस जेड और एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसको पहले आपको सॉल्व करना है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एज दिस ऐसा ही है, ठीक है ना, इसको ऐसे ही लिखते चलना, आपकी मर्जी है, लिख सकते हो उसे। अब यहाँ पर हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। देखो ये पूरा फंक्शन है, आपको केवल एक्स को एज ए वेरिएबल लेना है, क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, उसके अलावा जो भी वेरिएबल रह जाएंगे उनको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, अब देखो वाई क्या होगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा। तो कॉन्स्टेंट का क्या होता है, वो वेरिएबल आता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंट साथ में, ठीक है ना। तो वाई कॉन्स्टेंट है, तो वाई तो एज ए दिस आएगा, और कॉन्स्टेंट का क्या हुआ, एक्स प्लस। इसी टाइप से जेड भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है ना। बस अब आपको लिमिट पुट करनी है इसमें 0 से 2, ये हमारा इतना ऐसे जिस चल एज ए दिस चल रहा है। इसके अलावा देखो 2 लिमिट जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस, ये यहाँ पर 2y हो जाएगा प्लस 2z हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। केवल x की जगह पुट करनी है, बाकी माइनस करके जब हम 0 रखेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, उसको नहीं लिखते। तो ये हमारा हो गया x के रेस्पेक्ट में। अब कर लेते हैं, चलो z के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, क्योंकि पहले पढ़ रहा है, ठीक है ना। वैसे आप किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले कर सकते हो। तो यहाँ 0 से 3 डी वाई को हम ऐसे जिस रह नहीं देते हैं, तो पहले करते हैं हम 0 से 1 में, यानी जेड के रेस्पेक्ट में। तो फंक्शन हमारा ये यूज़ होगा, ठीक है ना, इंटीग्रेट करने के बाद जो जो आता जाएगा फंक्शन, उसको हम आगे यूज़ करते जाते हैं इंटीग्रेशन में। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से आप इसी को उठा के करने लग जाओ, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। अब ये नया वाला ये यूज़ होगा, ठीक है ना, 2 प्लस 2y प्लस 2z, इसका करना है हमें जेड के रेस्पेक्ट में। वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है, 0 से 3 डी वाई, तो 2 का क्या हुआ, कॉन्स्टेंट है, तो 2z होगा इसका, प्लस 2y भी कॉन्स्टेंट है, इसका क्या होगा, 2yz होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जेड है, तो जेड का क्या होगा, 2 × z² / 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा केवल जेड स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर देते हैं इसमें 0 से 1, तो इंटीग्रेट 0 से 3 डी वाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अपर लिमिट यानी 1 पुट करेंगे जेड की जगह, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 2y आ जाएगा, 2 प्लस 2y, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। बाकी जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे जेड जेड जेड, तो वो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। बस अब ये नया फंक्शन है, इसका आपको y के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो देख लो आप, 2 का क्या होगा, 2y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y का क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में y² / 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, y² बचेगा। 1 का क्या होगा, यानी कॉन्स्टेंट का y, अपर लिमिट बननी है आपको 3, लोअर लिमिट 0, तो ये भर देते हैं। देखो 3 यहाँ पर भरोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6, प्लस यहाँ पर पुट करोगे तो 9 + 3, बाकी हो जाएंगे 0, ठीक है ना, क्योंकि लोअर लिमिट सभी जगह क्या है, यहाँ पर y, और y की जगह आपको क्या पुट करना है, 0, तो ये आ गया 9, 6, 18, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको लिमिट पुट करते जाना है,
और जो आएगा पुट करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद जो भी फंक्शन, उसको अगले वेरिएबल के लिए यूज़ करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसी को यूज़ करोगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। तो आप इसको नोट कर सकते हो और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सेकेंड टाइप के ट्रिपल इंटीग्रल पर। ट्रिपल इंटीग्रल का सेकेंड टाइप देखते हैं, यानी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसा बनता है। तो इसमें क्या होता है, देखो लिमिट्स हमारी जो होती हैं कॉन्स्टेंट में ना होकर कुछ लिमिटें हमारी वेरिएबल के फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। और इसमें देखो इंटीग्रेशन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि एक वेरिएबल की लिमिट तो आपको कॉन्स्टेंट मिलेगी, बाकी जो दो वेरिएबल हैं उनकी लिमिट वेरिएबल की ही फॉर्म में होंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये सेकेंड टाइप का ट्रिपल इंटीग्रल होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ और उसको उसी के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो ज़ीरो से वन आपको लिमिट मान लो एक, और एक ज़ीरो से वन माइनस एक्स, एक ज़ीरो से वन माइनस एक्स माइनस वाई, ओके। और यह मान लो वन फंक्शन है, और डी एक्स डी वाई डी जेड इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड टाइप का है। तो इसमें मैंने जैसा कि बताया दो वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में होंगी और एक लिमिट होगी आपकी कॉन्स्टेंट फॉर्म में। तो इसमें देखो लिमिट आपको मैंने बताया लिमिट पहचाननी होती है, तो लिमिट पहचानने के लिए आप जो मैंने पीछे रूल बताया उसको फॉलो कर सकते हो कि पहले यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसी की लिमिट पहली वाली हो जाएगी, ठीक है ना। यानी ये एक्स की हो जाएगी, और ये वाली किसकी होगी, वाई की, और ये जेड की लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपको ये ना पता हो तो वेरिएबल फॉर्म में जब लिमिटें होती हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि लिमिटें जिस वेरिएबल की फॉर्म में हैं उसके अलावा जो वेरिएबल बच जाता है उसी की वो लिमिट हो जाती हैं। जैसे अगर आप ये रूल नहीं देखना चाहते, आप फाइंड करना चाहते हो कि ये किस वेरिएबल की लिमिट होंगी, तो आपको देखना है कि लिमिट में वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल एक्स और वाई आ रहे हैं, तो बचा कौन सा हमारा वेरिएबल, जेड, तो ये वाली लिमिट जेड की हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसमें लिमिट है किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, तो बचा कौन सा वेरिएबल हमारा, वाई, ठीक है ना। तो ये वाई की हो जाएंगी, एक्स की नहीं होंगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जिसकी लिमिट हो, जिस वेरिएबल की लिमिट हो, वो उसी वेरिएबल की लिमिट नहीं होती, उसके अपोजिट वेरिएबल की होती है, ठीक है ना। जब ये वाई की होगी, ये जेड की, तो ये किसकी होगी, एक्स की। तो ये तो हो गया लिमिट आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब बात आती है इंटीग्रेट करने की। तो जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम में देखा, मैंने बताया जब तीनों लिमिटें आपको कांस्टेंट होती हैं तो वहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस नहीं होती है। तो इस बात को नोट कर लेना, इस वजह से इस टाइप पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कि पहले हमें उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है जिसकी लिमिट में वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, क्या z की लिमिट में जो वेरिएबल हैं वो ज़्यादा हैं, क्या y की में, या फिर x की में। तो क्लियर सी बात है, z की जो लिमिट है उसमें वेरिएबल ज़्यादा है, x और y दो वेरिएबल है, और यहाँ पर y की लिमिट में केवल एक वेरिएबल है, और यहाँ पर एक भी नहीं है। और ये मान लो कि जो कांस्टेंट लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट में, तो आपको लास्ट में ही करना है सबसे इंटीग्रेट, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो वेरिएबल में नहीं आता, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने सपोज करो पहले ही कर दिया इंटीग्रेट इसमें कांस्टेंट वाले के रेस्पेक्ट में, उसके बाद वेरिएबल में आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, जो कि रॉन्ग होता है, ओके। तो अभी मैंने जो सीधा रूल बताया कि जिस वेरिएबल की लिमिट में ज़्यादा वेरिएबल होते हैं उसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो पहले हमें करना पड़ेगा जेड के रेस्पेक्ट में पहले, फिर उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में, और देन एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब बाकी रूल वही है सब, कि इंटीग्रेट जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे उसके अलावा जो वेरिएबल छूट जाएंगे फंक्शन में उनको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है जब आप उस फंक्शन का इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। तो फाइंड करते हैं देखो जेड के रेस्पेक्ट में पहले। अब यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड क्या है, वन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड में ही फंक्शन मिले, वाई एक्स में भी मिल सकता है, एक्स में भी मिल सकता है ओनली, या फिर ओनली कॉन्स्टेंट फंक्शन भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो तीनों टाइप से मिल सकता है आपको। तो बाकी को रेस्ट पर रखते हैं, जीरो से वन ये डी एक्स की लिमिट, और जीरो से वन माइनस एक्स ये वाई की लिमिट। इंटीग्रेट करते हैं हम जीरो से वन माइनस एक्स माइनस वाई में, किसको, वन को, किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, ये एज इट इज लिखे जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन,
यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में जेड ही आएगा, लिमिट आपकी क्या होगी जीरो से वन माइनस एक्स माइनस वाई, बस लिमिट पुट कर दीजिएगा, अपर लिमिट वन माइनस एक्स माइनस वाई पुट करोगे, लोअर लिमिट जेड की जगह जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका लिमिट करने के बाद फंक्शन, यानी वन माइनस एक्स माइनस वाई। अब आपको इंटीग्रेट करना है, देख कर के किसके रेस्पेक्ट में करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्लियर सी बात है, अब किसके रेस्पेक्ट में करोगे यहाँ पर, एक्स या वाई? वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वाई की लिमिट में ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है ना। तो करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में और एक्स को रेस्ट पर रखते हैं। जीरो से वन इंटीग्रेट करना है हमें, जीरो से वन माइनस एक्स, किसका? वन माइनस एक्स माइनस वाई का, किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। तो वही रूल आपको फॉलो करनी है सिंपल से, कांस्टेंट का वाई के रेस्पेक्ट में वाई हो जाएगा माइनस एक्स का, यानी कांस्टेंट है तो एक्स वाई, माइनस वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट है जीरो से वन माइनस एक्स। तो जीरो से वन ये डी एक्स है और ये डी एक्स, अपर लिमिट पुट करो वाई की जगह वन माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, और ये माइनस वन माइनस एक्स का होल वर्ग अपॉन टू, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका फंक्शन जिसको हमें अब इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। आगे इंटीग्रेट करते हैं, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, जीरो टू वन डी एक्स। यहाँ पर देखो एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ठीक है ना। यहाँ से वन माइनस एक्स तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं वन माइनस एक्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, वन बचेगा, माइनस दूसरे टर्म में एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा वन माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है ना। तो ये इतना बचा, इससे आगे करने के लिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो वहाँ से आगे देखते हैं, जीरो से वन डी एक्स, वन माइनस एक्स हमारा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर टू एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इंटीग्रेट करना है हमें। तो टू एलसीएम लेते हैं, ऊपर बचेगा टू माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स बराबर जीरो से वन डी एक्स इंटू वन माइनस एक्स। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, टू माइनस वन, वन बचेगा, माइनस टू एक्स प्लस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स अपॉन टू, यानी कि ये बचा टोटल जीरो से वन, वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स क्या होगा, वन माइनस एक्स का होल वर्ग अपॉन टू, और ये डी एक्स। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो करते हैं, वही रूल होते हैं, वन माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री आएगा, ठीक है ना, क्योंकि x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो टू प्लस वन यानी थ्री हो गया, तो नीचे भी तो टू प्लस वन आएगा थ्री, तो थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, सिक्स। अब देखो नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन भी लिखना है, ठीक है ना, माइनस x का कितना होगा, माइनस वन, ओके, ये आपको पता होगा इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, जीरो से वन, ओके। अब लिमिट पुट कर देते हैं, बस अपर लिमिट पुट कर दो और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब हम यहाँ पर वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन कितना होगा, जीरो, तो अपर लिमिट हमारी इसकी वजह से ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। माइनस लोअर लिमिट में देखो जब हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, वन माइनस जीरो यानी वन, वन की पावर थ्री यानी कि वन, यानी वन अपॉन सिक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आएगा वन अपॉन सिक्स, यानी टोटल हमारा आंसर आ गया वन अपॉन सिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेना इंटीग्रेशन के बेसिक रूल यहाँ पर फॉलो किए गए हैं, वो आप जान सकते हो, ओके। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का ट्रिपल इंटीग्रेशन, जब लिमिटें आपकी वेरिएबल फॉर्म में होती हैं। तो सारा कुछ आपको आसानी से समझ में आया होगा, सारा खेल ज़्यादातर लिमिट का ही है, वो मैंने आपको फोकस करके बता दिया, बस आपको उसी पर ध्यान देना है, बाकी तो इंटीग्रेशन सिंपल वाले होते हैं जो हमने क्लास ट्वेल्थ वगैरह में पढ़े हुए होते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।